हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखिए ये व्यू, और जगह कौन सा है? ये है कल्पा, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ हिमाचल, एक्चुअली किन्नर। क्या बताऊँ, ब्रीथ टेकिंग व्यू है। और वेलकम बैक अगेन टू योर ओन ब्लॉग राइडर देवान जी। तो ये खूबसूरत रास्ता आप देख रहे हो, और आज जो हमारा जर्नी है वो है कल्पा से लेके टाबो तक। और इस जर्नी में बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। पिछला जो ब्लॉग था, मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है बहुत अच्छा। इस ब्लॉग को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और मैं पूरा जो एडवेंचर है रोड का, मैं कोशिश करूंगा सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जय बजरंगबली। क्या ब्यूटीफुल रोड है देखिए। क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई, फैंटास्टिक। बहुत सुंदर। चलिए अभी तो आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। पहले तो इसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट कराता हूँ, मतलब पेट्रोल फुल करा लेता हूँ, क्योंकि आगे मैप में दिखा रहा है टाबो से पहले एक पेट्रोल पंप है, लेकिन वो एक के सहारे जाना थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। देखता हूँ आगे कहाँ है, मुझे लग रहा है दिखाई दिया। हाँ दिखाई दिया, दिखाई दिया। चल यहाँ ले लेते हैं पेट्रोल, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ भाई लोग, मेरा एक घंटा टाइम बर्बाद हो गया, 10:30 से 11:30, क्या बताए। क्यों पता है, अब अगला वीडियो में देखिए। सो दोस्तों हाल देखिए मेरा, कुछ देर आया कि नहीं ये कैमरा बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे में मेमोरी है ही नहीं। अब गलती मेरा ही है। कल रात मैं कैमरे से डाटा ट्रांसफर करना ही भूल गया था, और अब बीच रास्ते में ये हाल है। एक जगह ढूंढ के बैठा हूँ और कैमरे से इसमें डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये भी एक टाइप का एंजॉयमेंट है। मैं सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। देखिए कितना जल्दी होता है। अब जो है बिल्कुल रूखा सूखा जो पहाड़ है वो स्टार्ट हो चुका है, पेड़ तो अब धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा, हो भी चुका है लगभग, पूरा प्योर पत्थर है एकदम। और अभी तो सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है, दिन में कोई ज़रूरत नहीं है विंटर कोई भी क्लॉथिंग का। हाँ शाम का टाइम में हल्का फुल्का चाहिए। इस जगह का इस व्यू को देख के मैं रुक गया और एक दो फोटो भी लिया।
आपके साथ भी शेयर करता हूँ वीडियो, देखिए। मैं अब ब्यूटीफुल बोलना छोड़ दिया हूँ, कोई वर्ड्स नहीं है अब डिस्क्रिप्शन के लिए। वाओ 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 जस्ट वाओ, नो वर्ड्स अगेन, नो वर्ड्स। आप लोगों के पास अगर कोई वर्ड है ना इस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो है पहाड़ों में कोई एक गांव, क्या लोकेशन है, फर्स्ट टाइम रास्ते में अभी कोई गांव दिखाई दिया, पता नहीं नाम क्या है। हाँ पू हो सकता है, पू। वैसे तो रोड ठीक ठाक था ही, लेकिन कुछ देर पहले से तो ये बिल्कुल मक्खन बन गया। इस रिमोट एरिया में भी इतना अच्छा क्वालिटी का रोड, माय गॉड अनबिलीवेबल। तो ये जो डबलिंग है, यहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग होता है, बट अब पता नहीं वो पुलिस वाले तीन चार थे तो मेरे साथ बात करके शायद लगा होगा कि ठीक है, हार्मलेस है, तो जाने दिया, कुछ ऐसे लगेज वगैरह कुछ चेक नहीं किया। और मैं एक्चुअली ऐसा जब भी चेकिंग होता है तो नॉर्मली मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मतलब जब तक नॉर्मली हो रहा है तब तक ठीक है, बाद में कुछ ज़्यादा टाइट हो जाए मामला तभी बोलता हूँ, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं तो सबको अपना काम करने का हक है भाई, और ये आपका अच्छाई के लिए ही कर रहा है जो भी कर रहा है। तो वही पूछता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ रुके थे, कहाँ जा रहे हो, अकेले हो कि ग्रुप में हो, यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन था। और मैं रास्ते के बारे में भी पूछा उनसे कि इतना अच्छा रास्ता है, ये आगे तक ऐसा ही मिलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि देखिए आगे मतलब खाब जो ब्रिज है वहाँ तक ऐसे रास्ता मिलेगा इसी क्वालिटी का, और उसके बाद थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस जगह पे मैं थोड़ा सा रुक के फोटोग्राफी किया, ऐसे ही स्पीड से मैं चलता रहा ना और बीच बीच में ऐसे फ़ोटो खींचता गया तो पता नहीं कब तक पहुंचूंगा, लेकिन कोई नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, फोटोज़ रहना चाहिए साथ में। और ये एक्शन कैमरा अपना काम तो कर ही रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरा तरफ से मैं आपसे मतलब इतना ही चाहूँगा, देखिए वीडियो आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे क्या होगा ये सीरीज़ का भी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन को ऑन कर देंगे ना, ऑल नोटिफिकेशन, तो बाकी भी जो मैं वीडियो डालता रहूँगा उसका आपको पता चल जाएगा कि कब आ रहा है, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ठीक है, ये तो अपना अपना वो है, चॉइस है, कोई बात नहीं, बट आप लोगों को मज़ा आना चाहिए। मेन जो मकसद है ना, ये लाइक सब्सक्राइब व्यूज़ छोड़िए ये सब। ये आ गया मैं खाब, ये खाब ब्रिज है, बहुत सुना था इसके बारे में, आज मैंने देख लिया। खाब मेरा ख्वाबों में था जो आज सच हो गया। सो फ्रेंड्स, ये जो जगह है ये खाब है और ये ब्रिज खाब ब्रिज का नाम से बहुत फेमस है। ये एक्चुअली संगम स्थल है दो नदियों का, वहाँ से आ रहा है स्पीति रिवर और यहाँ से आ रहा है सुतलेज, और ये दोनों मिलके एक साथ ये फिर सुतलेज रिवर बनके चला जा रहा है। तो एक्चुअली सुतलेज में स्पीति यहाँ पे मार्ज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो है सब यहाँ पे अपना गाड़ी लगा के इंजॉय कर रहे हैं। व्यू भी देखिए इसका, बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर के पास देखा था, बट मैं बहुत लकी हूँ, भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे भी मौका दिया, मैं अपनी आँखों से इस जगह को देख पाया, फील कर पाया यहाँ का ब्यूटी। आई एम रियली लकी, थैंक्स गॉड। स्वर्ग और कहीं नहीं, स्वर्ग यहीं है, यहीं। ये गलत फहमी में मत रहना कि हम जब नहीं रहेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, आपको जिंदा रहते हुए स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ये है स्वर्ग। मैं इतना इमोशनल कभी नहीं हुआ। मैं थोड़ा बहुत पहाड़ों में राइडिंग किया हूँ,
कार लेके भी बहुत सारे पहाड़ों में घुमा हूँ, जो भी हो सके अपना देश का, बट मुझे लग रहा है आज सब कुछ फीका पड़ गया, सब कुछ फीका पड़ गया। ये ब्यूटी मतलब पता नहीं मैं और कभी आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। प्रैक्टिकली मेरा आंखों में पानी आ गया सही में, फिर से थैंक्स गॉड। ये मौका मुझे देने के लिए कि मैं ये देख पाया, थैंक यू अगेन। खूबसूरत भी है, मैं बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत होगा, सही में बता रहा हूँ मैं। हाँ होगा बट इस कदर का ब्यूटी। ओ वहाँ से रोड जा रहा है, ओ वहाँ से दूर दूर मैं कहाँ कहाँ कितना जगह खड़ा हो जाऊँ, कितना फ़ोटो लूँ, फ़ोटो तो बनता है। मस्त मस्त मस्त। मुझे दो चार मेमोरी कार्ड लेके आना चाहिए था, क्या किया मैंने। कोई नहीं, मैं फिर आऊँगा। और मेरा वादा रहा, मैं वाइफ और बच्चों को भी ले आऊँगा, उनके साथ कार में ये टूर करूँगा और जी भर के मज़ा करूँगा फैमिली के साथ ही। ये ड्यू रह गया, सुन रहे हो क्या तुम लोग, इतना ब्यूटीफुल जगह और रोड भी इतना ब्यूटीफुल। उफ नाको और ओनली 12 किलोमीटर्स, मैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो हम लोग कर लेंगे काम, नाको में लंच कर लूँगा और फिर नाको लेक भी तो विज़िट करना है, फिर नाको से निकलेंगे टाबो के लिए। और टाबो जाने से पहले हम जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री, वहाँ पे जो ममी है ना हजारों साल पुराना, वो भी देखना है। देखो सोलो राइड में ना आज सही में मैं मज़ा ले रहा हूँ, जहाँ मर्जी रुक रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जितना मर्जी चलाओ, जहाँ मर्जी रुको,
और क्या चाहिए। वाओ, इस वीडियो का टाइटल ही क्या दूँ, वाओ। उसके साथ ब्यूटीफुल, पता नहीं यही सब वर्ड तो मैं इस वीडियो में लग रहा है 100 बार बोल चुका हूँ। अचानक से इतना ग्रीनरी देखिए, हैरान हूँ। सेब का पेड़ एकदम पका हुआ सेब दिख रहा है, खाने के लिए एकदम रेडी, पूरा बगीचा है, पूरा पूरा बगीचा। अरे बाप रे, क्या कलर है यार सेब का। तो ये मैं पहुंच गया नाको विलेज में, जी नाको लेक किस तरफ है, सीधे ही ठीक है, थैंक यू। तो अभी पहुंच गया हूँ नाको लेक, थोड़ा सा सीढ़ियों से उतर के नीचे आना पड़ता है, कुछ 50 टाइप सीढ़ी होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये लेक मुझे इतना पता है कि लोगों के यहाँ के लोग काफ़ी सेक्रेट मानते हैं, पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे। छोटा सा लेक है और बहुत ही सुंदर है। अब मुझे लग रहा है बहुत तेज भूख, अब मैं जाऊँगा ऊपर। ऊपर कुछ देखा मैं, शॉप स्टॉल वगैरह है, तो जाके ढूंढता हूँ कहाँ मिलेगा मोमोज। तो चलिए पेट पूजा करते हैं। मलिंग नाला, ये आने वाला है एक वाटर क्रॉसिंग, सो रेडी। बिल्कुल छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। तो हो गया मेरा लंच, वहीं पे मोमोज खा लिया, एक प्लेट में था 10 मोमोज और प्राइस था ओनली 110 रुपीज़, वो भी मटन मोमोज। यहाँ पे एक्चुअली चिकन मोमोज उतना चलता नहीं है, मैं पूछा, बोले कि नहीं बनाते हैं। तो देखिए उतना भी ग्रेट नहीं था टेस्ट, बट ठीक था। यही पहाड़ जो दिख रहा है ना अभी, जब सनसेट का टाइम आएगा तब जो कलर बदलेगा ना, ये आज टाबो में जाके हम सनसेट देखेंगे। इतनी तेज हवा चल रही है ना, जैसे कि लग रहा है उड़ा के ले जाएगा। लैंडस्केप देखिए, और वो रोड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब पहाड़ों से उतर के एकदम नीचे आ गए हैं, जस्ट बगल से ही नदी बह रही है। चलिए शायद और थोड़ा सा जाने से बगल में नदी दिखाई भी दे। यहाँ से कहाँ जाऊँगा, अच्छा सीधे, ओके। हाँ अभी ये जो लेफ्ट साइड है ना, ओ आपेल का बगीचा इस तरफ भी है, दोनों तरफ सेब, वाओ। और ये नदी मुझे लग रहा है ये स्पीटी रिवर है, हवा बहुत तेज है, बहुत। मुझे पता है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, विंड ब्लो,
क्योंकि मैं वाइज़र उठा के ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे वाइज़र नीचे करने में ना मज़ा नहीं आता है, घुटन सा होता है। तो मैं ताबू जाने से पहले, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, पहले जाऊंगा ग्यू मोनेस्ट्री, GUE ग्यू, तो वहाँ, और मैं 45 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पे शायद कुछ टाइम लग जाए, 20-25 मिनट। मेरा ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे अभी से पता चल रहा है, क्योंकि मैं एडिट करते टाइम कट कर ही नहीं पाऊँगा। जगह जगह पे कॉशन दिया हुआ है, शूटिंग स्टोन एरिया, मतलब वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, और लिटरली वो वहाँ पे पत्थर गिरते हैं। मेरा हेलमेट में भी दो चार गिरा है, छोटा छोटा, चलो छोटा तक सही है, उससे बड़ा ना गिर जाए। और आप रास्ते में आएंगे तो देखेंगे काफ़ी जगह जो स्वीपिंग के लिए लोग हैं, स्वीपर्स, ये रास्ते को कंटिन्यूस झाड़ू लगाए जा रहे हैं, और उन लोगों को वहीं पे डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे ये ज़्यादा शूटिंग स्टोन का एरिया रहता है। नहीं तो पूरा रोड में एक जगह मैं देखा, शायद कुछ देर पहले ही सब पत्थर गिरा है, तब झाड़ू लगा रहा था, पूरा रोड पत्थर से भरा हुआ था। अब देख सकते हैं छोटा मोटा तो हर जगह गिरा हुआ है ऐसे, लेकिन डेंसिटी कुछ कुछ जगह पे बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करें, अब बहुत ही ज़्यादा बैड लक होगा तो आप जाएंगे तभी आपका ऊपर गिरेगा। भाई शुभ शुभ बोलो, ऐसे नहीं। काली धांग शूटिंग स्टोन जोन, ड्राइव केयरफुली। तो यही बोर्ड का मैं बात कर रहा था। अब देखिए आगे क्या हालत है, यहाँ तो रोड साफ कर दिया है। देखिए यहाँ पे फ्रेश गिरा है, ये सामने, ये सब ये गिरे हुए पत्थर, पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा इस कैमरे से। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, यही मेंटेन करते हैं इसको, इसीलिए रोड्स इतना मेंटेन्ड है। शूटिंग स्टोन प्रोन एरिया, ओ भाई यहाँ तो सही में, ये सामने गिरा हुआ है, ढेर सारा गिरा हुआ है, छोटे बड़े अलग अलग डिफरेंट साइज का सब गिरा हुआ है। ये सुमडा के बाद रोड थोड़ा सा खराब है, इस सुमडा में एंट्री भी होता है, वहाँ पे हिमाचल पुलिस आपका डिटेल्स का एंट्री करेगा, कहाँ से आए हैं, क्या नाम, कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर। और ये वाला रोड नैरो है बट फिर भी उतना ख़राब नहीं है। अभी सुमडा में जहाँ पे वो पुलिस चेकिंग कर रहा था, वहाँ मैं बाइक खड़ी नहीं कर पा रहा था, मतलब इतनी तेज़ हवा, दोनों तरफ हिलने लगा था बाइक। फिर एक सपोर्ट वाला जगह देख के, जहाँ थोड़ा हवा को ब्लॉक कर रहा था, वैसा जगह देख के फिर वहाँ पे पार्क किया। यार ये किधर जाना है,
यार ये गलत आ गया, मन लग रहा है कैसा अजीब टाइप दिखा रहा था। गू विलेज ओके ओके, ये है मोनेस्ट्री जाने का। वेलकम गू विलेज, चलो ठीक है। मैं मुझे लग रहा है ये स्टेट चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा टाबो, और यहीं से ये रोड कट के जा रहा है गू विलेज, क्योंकि हमें मोनेस्ट्री भी तो देखना है। वो मॉमी जो है, ये भी चश्मे को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये है गू विलेज जाने का रास्ता, गू विलेज और है 7 किलोमीटर दूर। इतना तो मैं बताऊंगा कि चिटकुल जाने का जो रास्ता है उससे तो अच्छा है। अभी बज रहा है 3:40, तो वही पहाड़ों में धूप छांव उसी का खेल चल रहा है। एकदम बगल से नदी बह रही है। अब नाम मत पूछिए, मुझे पता नहीं, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो अभी तक कैसा लग रहा है दोस्त, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक देंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, और कुछ नहीं। देखिए पैसा वैसा तो दूर की बात है, और मैं उसके पीछे भाग भी नहीं रहा हूँ कि ये वीडियो बना के मैं करोड़पति बनूँगा, लखपति बनूँगा। बस मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ मेरा फ्यूचर के लिए, और जो भी इक्का दुक्का हो, जो भी इस वीडियो को देखे उनको अच्छा लगे, यही बस, और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ देखें, कल वीडियो में मैं बहुत जोकर ही कर रहा था, एकदम कार्टून। आज थोड़ा सा पता नहीं सीरियस नोट में आ गया हूँ क्या, ये इसका कारण है। कल रोड का जो हालत था ना, उसने मेरा दिमाग का स्क्रू सब ढीला कर दिया था, और आज जो ब्यूटी है उसने भी मेरा स्क्रू ढीला ही कर दिया। अरे वाह, तो आप इधर जा रहे हो तो टाबो के तरफ ये गू विलेज वाला रास्ते में जरूर आना। ये बगल से जो नदी वो बह रही है ना, बहुत मस्त है। ये एक हो जाता है, कभी कभी न्यूट्रल फंस जाता है। आपके साथ भी होता है क्या? मेरा साथ कभी कभार होता है। वैसे जब डालने जाओ न्यूट्रल इसमें, तो 4 बार ढूंढने के बाद मिलता है। गू विलेज में आ गया हूँ। एक वैली जैसा है, और कुछ यहाँ पे घर भी दिख रहा है, तो मुझे इसीलिए लगा कि ये शायद विलेज होगा। और मोनेस्ट्री दिखा रहा है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। तो चलिए चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है। हाँ ये तो एक गांव है। अब मिलते हैं मोनेस्ट्री में। देखिए यहाँ पे देखिए, लग रहा है ना कितना अच्छा। बहुत बढ़िया, और वो मोनेस्ट्री दिख गया मुझे यहाँ से। चलिए क्या हवा है। ओ बाइक लेके नहीं जा सकते,
रहा, नहीं सुन पा रहे, इतना हवा है। आप रखिए, मैं आके आपको पैसा देता हूँ, खोल दीजिए। अभी मेरा पर्स जो है पीछे बॉक्स में है। अभी ग्यू विलेज से वापस जा रहा हूँ और ये वाला जो रोड है इसको ख़त्म करेंगे, तभी टाबो का जो मेन रोड है वो मिलेगा। रास्ते में बहुत पत्थर है, एक्चुअली ग्रेवल वाला रोड है, इसलिए बहुत ज़्यादा साइड से जा नहीं रहा हूँ, कहीं स्कीड हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। राइट साइड से आ रहा हूँ, कोई गाड़ी दिखाई दिया तो फिर हट जाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में मुझे फील हुआ कि टायर स्कीड भी हो रहा है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. अब टाबो का जो मेन रोड है उसमें आ गया हूँ, बट ये रोड भी नैरो ही है, मतलब ये जो सामदो या कोई जगह था ना ग्यू विलेज से पहले, वहाँ तक रोड काफ़ी वाइडर था, यहाँ पे सिंगल लेन है, तो ऐसा ही सिंगल लेन रोड ही शायद ये कहाँ तक जाएगा, देखते हैं। अब से सोच के क्या फ़ायदा, आगे जैसा जैसा रोड आएगा जो भी देखेंगे आप लोगों को भी अपडेट करते रहेंगे। तो बोलिए दोस्तों, देखिए आपने मॉमी कैसा लगा। कुछ चीज़ें जब आप बहुत दिन तक आप यूट्यूब में और फोटो में देखते हैं और फिर उस चीज़ को आप अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मुझे वो अच्छा अच्छा वाला फीलिंग हो रहा है और आगे और भी होने वाला है, सिर्फ मुझे नहीं हम लोगों को। और बीच में मैं एक बार गाड़ी रोका था, रोक के अंदर भी विंटर वाला जो है इनर वो पहन लिया, मतलब विंटर भेस्ट, जो जैकेट का इनर है वो नहीं पहना, वो तो बहुत गर्म कर देगा, और बाल्कर लोफर भी डाल लिया सिर पे, क्योंकि कान में मुझे ठंडा लगने लगा था, और ठंडा से नो पंगा, फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा तो अभी सर्किट बहुत अच्छा से कंप्लीट हो पाएगा, और उसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। ओह माय गॉड, ये देखिए बात करते करते व्यू, अरे यार कितना पत्थर गिरा यहाँ पे,
चलो ये ढलता हुआ सूरज में ना पहाड़ और भी सुंदर लगता है। मुझे हमेशा सनसेट का टाइम में पहाड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या पसंद है पहाड़ों में, सनराइज या सनसेट, जरूर बताइएगा कमेंट में। अब आज तो चलेंगे, फिर मुझे ढूंढना भी है। एक्चुअली टावो में शायद ऑप्शन रहेगा काफ़ी सारा, मुझे जितना लग रहा है होटल और होम स्टे का बीच में, तो कोई भी लग्जरी सेटअप में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये टूर मैं लग्जरी टूर करने नहीं आया। मतलब 1000 से 1200 मेरा इतना रेंज होगा, जो भी होटल हो या होम स्टे हो। तो देखते हैं वहाँ जाके, थोड़ा सा गूगल में सर्च करेंगे पहले टावो पहुँच के, उसके बाद हंटिंग शुरू करेंगे। यार ये सन बिल्कुल आँखों में आ रहा है, और आज मेरा जो मेन जो सनग्लास है ना वो टूट गया है। ये एक सुबह सुबह मैं निकल रहा था तभी पता नहीं कैसे टूट गया, चलो इतना झेल लिया। I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. तो अभी 7 घंटा हो चुका है राइडिंग का, बट मैंने बहुत खींचा है, मतलब एक्सटेंड कर दिया है राइड को। ये एक्चुअली था 5 से 6 घंटे का, लेकिन वो ऐसे भागम भाग जाके कोई फ़ायदा है क्या? मैंने जहाँ पे मर्जी वहाँ पे स्टॉप लिया, फ़ोटो खींचा, पूरा एल्बम बना रहा हूँ। ई का हो गवा, सब लोग शांत हो गए। बोले 5 गाड़ी को पीछे भेज दूंगा लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अकेला गाड़ी पीछे नहीं जा सकता। वही होगा, चलो चलो प्यार मोहब्बत बाद में कर लेना। What a view. रुकना ही पड़ गया। अभी जस्ट 6 किलोमीटर दूर हूँ टावो से। वर्ड्स नो वर्ड्स, वो दिख रहा है टावो वहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? और 2 किलोमीटर दूर है वहाँ, पहुँच के ही पहले एक ठहरने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, रात्रिवास। सो फ्रेंड्स,
कैसा लगा ये ब्लॉग? ब्लॉग तो छोड़िए, ये पूरा सीरीज कैसा लग रहा है वो बताइए। देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कमियाँ रह जाती हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कमी है, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, तभी और अच्छा ब्लॉग बनेगा। और बहुत बहुत थैंक यू इतना देर तक इस ब्लॉग को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बस इतना सा ही आपसे कहना है। सो फ्रेंड्स, ये शायद कुछ टाबों का गेट भी बन रहा है, आप लोग जब बाद में आएंगे तब ये गेट आप लोगों को दिखाई देगा बना हुआ। आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली अभी भी मुझे लग रहा है ना, और भी थोड़ा सा लंबा होता रोड तो थोड़ा अच्छा होता, अंधेरा होने में और थोड़ा देर होता तो अच्छा होता। चलिए ये सब तो होता ही रहेगा, अब मेरा अगला ब्लॉग जो आएगा वो भी आएगा बहुत धमाकेदार, उसमें मैं करूँगा टाबो से काजा का राइडिंग, और उसमें काफ़ी जगह जो है वो मैं एक्सप्लोर करूँगा। आज रात में मैं बैठ के उसका प्लान बनाऊँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बहुत खुश रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। तो यहीं पे करता हूँ, टाटा बाय बाय।